दोस्तों आप लोगों ने विक्रम बेताल की कहानी तो सुनी होगी, उसमें बेताल पहले किस्सा सुनाता है फिर उससे जुड़ा सवाल पूछता है। इसी तरह राजा विक्रम को उलझाए रखता है। विक्रम भी अपनी सूझबूझ से सवाल का जवाब देता है और फिर उससे एहसास होता है कि वो बेताल की कहानी में उलझता जा रहा है। ऐसी एक फिल्म के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जिसका नाम है विक्रम बेदा। ये फिल्म सुपरहिट तमिल फिल्म विक्रम बेदा की हिंदी रीमेक है जिसका निर्देशन इसके ओरिजिनल डायरेक्टर पुष्कर गायत्री ने किया है। फिल्म में बॉलीवुड के दो दमदार एक्टर सैफ अली खान और ऋतिक रोशन लीड रोल में है और इनके अलावा फिल्म में राधिका आप्टे भी मुख्य भूमिका में नजर आई हुई है। आइए जानते हैं विक्रम बेदा की स्टोरी। फिल्म की कहानी में विक्रम एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर है। उसे अच्छाई बुराई का अंतर पता है, वह जानता है कि क्या सही क्या गलत है, जबकि वेदा एक खूंखार गैंगस्टर है। लेकिन वेदा के किरदार में एक ऐसी गंभीरता है जो दर्शकों को उससे जोड़ती है। वह दिमाग का तेज होता है, वह कानून से लेकर दुनियादारी तक सभी बारीकियों को समझता है। पुलिस वेदा और उसके गुर्गों के पीछे पड़ जाती है। एक एनकाउंटर में पुलिस वाले वेदा के गैंग के कुछ बदमाशों को मार डालते हैं, लेकिन इसमें एक नियत्ते की भी मौत हो जाती है। खुद को अपनी टीम और जांच से बचाने के लिए विक्रम एक कहानी गढ़ता है। वह डिपार्टमेंट को भरोसा दिलाने में सफल हो जाता है, लेकिन अभी वेदा को पकड़ना बाकी है। कहानी में एक गजब ट्विस्ट आता है। विक्रम और उसकी टीम वेदा को पकड़ने के लिए प्लान बना रही है, लेकिन तभी अचानक वेदा खुद पुलिस स्टेशन आकर आत्मसमर्पण कर देता है। उसे सिर्फ वेदा से बात करनी है। उसने आत्मसमर्पण क्यों किया कोई नहीं जानता। आप पूछताछ वाले कमरे में टेबल की एक तरफ विक्रम और दूसरी तरफ वेदा। पूछताछ शुरू होती है, लेकिन वेदा कहता है कि वह एक कहानी सुनाना चाहता है। खैर, वेदा की कहानी उसके ड्रग तस्कर बनने की है। इस कहानी में उसका एक छोटा भाई भी है जो पढ़ने में बहुत तेज है। वेदा नहीं चाहता कि उसका भाई गैंगस्टर बने। वेदा अपनी कहानी से यह साबित करना चाहता है कि वह गैंगस्टर कैसे बना और कैसे उसका भाई उससे अलग है। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। वेदा के भाई के साथ बचपन में इलाके के गैंगस्टर ने बदमाशी की थी। वेदा के भाई इसे ड्रग्स का धंधा करवाना चाहता था। वेदा के भाई ने इनकार किया तो उस गैंगस्टर ने उसके भाई पर हमला बोल दिया। वेदा विक्रम से पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्या उसे भाई पर अत्याचार करने वाले गैंगस्टर को मारना चाहिए या नहीं। इसी बीच कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। वेदा ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन पीछे पीछे पुलिस थाने में उसकी वकील जमानत के कागजात लेकर आ जाती है। ट्विस्ट यह है कि ये वकील कोई और नहीं बल्कि विक्रम की पत्नी है। वेदा छूट जाता है, लेकिन विक्रम की परेशानी बढ़ जाती है। अब उसे घर में वकील बीबी की जिरह करनी है तो विक्रम को भी पकड़ना है। कहानी में आगे एक और ट्विस्ट आता है। वेदा ने विक्रम को जो कहानी सुनाई थी उसमें उसका छोटा भाई आगे फिल्म की कहानी का मुख्य हिस्सा बन जाता है। वेदा सामने भी आता है, फिर कहानी सुनाता है, फिर सवाल पूछता है, लेकिन विक्रम उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन सबसे तगड़ा ट्विस्ट क्लाइमैक्स में है। विक्रम वेदा के क्लाइमैक्स में पुलिस की टीम के विक्रम के सबसे खास साथी का एक एनकाउंटर में मौत हो जाती है। विक्रम को पता लगाना है कि उसके साथी के साथ क्या हुआ। वेदा को पकड़ना भी है। बीबी भी नाराज चल रही है, लेकिन समय का पहिया घूमता है। पूरी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पहुँच जाती है। वह वेदा की कहानी को याद करता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन कहानी में फिर एक ट्विस्ट है। क्लाइमैक्स सीन में वेदा न सिर्फ आता है बल्कि विक्रम की जान बचाता है। वेदा फिर एक कहानी सुनाता है और इस बार सब कुछ साफ हो जाता है। विक्रम शुरू से ही एक साजिश का शिकार हुआ है। फिल्म की कहानी जहाँ खत्म होती है बतौर दर्शक आपके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि कौन सही कौन गलत है। साथ ही ये है कि क्या विक्रम और वेदा अब दोस्त बन गए हैं। फिल्म की कहानी को डायरेक्टर पुष्कर और गायत्री ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। साल 2017 में इसका तमिल वर्जन आया था। फिल्म की कहानी आपको एक के बाद एक अलग राइड पर लेके जाती है, जिसे देखने के बाद आप अपनी सीट नहीं छोड़ पाएंगे। फिल्म में एक्शन भी कमाल का है और कैमरामैन ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है। वहीं इसका बैकग्राउंड स्कोर और गाने भी कमाल के हैं। आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए जो कि 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।